दोस्तों आज के सोशल मीडिया के दौर में चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाओ आपको स्टोरी देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी का स्टोरी देख रहे होते हैं तो हमको लगता है यार कैसे इस स्टोरी को हम अपने स्टोरी में लगा दें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही सीखने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड और सेव इंस्टाग्राम स्टोरी। तो अभी आप देखो मैंने अपना प्रोफाइल ओपन कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है स्टोरी लगा के रखा हुआ है। अभी मैं चाहूँ तो इनमें से किसी का स्टोरी भी जो है डाउनलोड कर सकता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं मोटी मोटी आपको दो बातें बता देता हूँ कि बेसिकली आज के टाइम में जो ट्रेंडिंग है वो दो टाइप का स्टोरी है, एक है वीडियो के फॉर्म में और एक है इमेज के फॉर्म में। अभी वीडियो का फॉर्म और इमेज का फॉर्म क्या है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आप देखना किसी के स्टोरी में किसी का मूवी का सीन या फिर कोई डायलॉग म्यूजिक के साथ में जो इंटीग्रेट होता है, ठीक है, तो वो होता है एक वीडियो का फॉर्म। बट कोई क्या होता है ना कि कोई अपने इमेज लगा दिया और बैकग्राउंड में म्यूजिक ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर अगर मान लो किसी का बर्थडे है तो आपने लिख दिया हैप्पी बर्थडे और उसमें बर्थडे वाला म्यूजिक ऐड कर दिया, तो ये हो गया इमेज का फॉर्मेट। तो अभी आप बोलोगे कि अगर इमेज का फॉर्मेट हम क्रिएट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे तो एक ऑप्शन होता है सेव स्टोरी का, तो हम वहाँ से क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि जब आप वहाँ पे सेव स्टोरी पे क्लिक करोगे ना तो आपका सिर्फ इमेज डाउनलोड होगा, ना कि वो म्यूज़िक साउंड डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। बट अभी जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूँ इसकी मदद से आप किसी भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलो बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोसेस। मेक श्योर दोस्तों आपको जिसका भी स्टोरी डाउनलोड करना है आपको उसका यूजर नेम पता होना चाहिए, तभी जाके आप उसके स्टोरी को जो है फाइंड आउट कर पाओगे और उसको डाउनलोड कर पाओगे। अब आपको यूजर नेम पता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बिगिनर लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो सिंपली से आप जिसके भी स्टोरी को डाउनलोड करना चाहते हो उसके अकाउंट पे आओ और यहाँ पे जो दिख रहा है ये है यूजर नेम, ठीक है। सिंपली इसी को आपको वहाँ पे टाइप करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे सर्च करना है इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर। तो अब आप बोलोगे भाई कोई एप्लीकेशन का नाम बता दे या फिर किसी वेबसाइट्स का नाम बता दो जिससे कि हम इजीली इसको कर सकें। देखो यार अगर मैं कोई वेबसाइट का नाम बता दूँ तो हो सकता है वो गूगल पे रैंक कर रही हो आज एक नंबर पे, कल दो नंबर पे, कल दस नंबर पे, तो आपको वो वेबसाइट ना मिले। या फिर अगर मैं कोई एप्लीकेशन के बारे में बता दूँ आज वो एप्लीकेशन है कल वो एप्लीकेशन ना हो, तो इसलिए मैं आपको एकदम एवरग्रीन तरीका बता रहा हूँ क्योंकि स्टोरी लगाना तो आप छोड़ने नहीं वाले, ठीक है, आप तो स्टोरी लगाओगे तो आपको बाद में जब ये प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करोगे। इसलिए मैं आपको एकदम लॉन्ग टाइम के लिए एक तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप कभी भी इसको यूज़ करोगे तो आपके लिए हमेशा वर्क करेगा। जब आप इसको सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम स्टोरी सेवर तो उससे रिलेटेड बहुत सारा वेबसाइट जो आ जाएगा, किसी भी एक वेबसाइट पर चले जाओ। तो मैं पहले वाले वेबसाइट पर चलता हूँ। तो यहाँ पे अभी देखो वेबसाइट के अंदर जो है हम आ चुके हैं और यहाँ पे लिख रहा है इंटर इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़र नेम, यानी कि वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे डालना है जिसका स्टोरी आपको डाउनलोड करना है। तो चलते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और वहाँ से कोई एक हम यूज़र नेम ले लेंगे और यहाँ पर ला कर डाल के हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो हम जैसे कि आ गए हैं इंस्टाग्राम पर, तो चलो इसी अकाउंट को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे इस अकाउंट के ऊपर आ गए। अभी देखो इसका यूज़र नेम है गेमर जूत, तो चलो इसी यूज़र नेम को यहाँ पे डालते हैं, गेमर जूत, ठीक है, डाल दिया। अब सिंपली से आपको यहाँ पे डाउनलोड पे टच कर देना है। जब डाउनलोड पे टच करोगे तो आपके सामने जो है एक कैप्चा आएगा, आई एम नॉट अ रोबोट। सिंपली से आपको यहाँ पे चेक कर देना है और आपको वेट करना है, ये फाइंड आउट कर रहा है उसके सारे स्टोरीज़ को। उसने जितने भी स्टोरीज लगाए होंगे वो सारा का सारा स्टोरी जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइज, तो ये अभी फाइंड आउट कर रहा है उसके सारे स्टोरीज़ को, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर उस बंदे ने चार स्टोरी डाल रखा है तो मुझे चारों का चारों स्टोरी डाउनलोड करना होगा। मान लो कि उसने चार स्टोरी डाउनलोड कर डाल रखा है और मुझे कोई एक स्टोरी डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको हर स्टोरी में सेपरेट आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड करने का। जैसे देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, गेमर जूत उसका यूज़र नेम था, टू स्टोरीज यानी कि दो स्टोरी उसने डाल रखा है। देखो पहले स्टोरी में उसने डाल रखा है एक वीडियो जो कि 13 सेकंड का है और दूसरा जो है वीडियो वो 16 सेकंड का है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो चलो हम देखते हैं वहाँ पे कि क्या सही ये चीज़ है या नहीं। हम यहाँ पे आते हैं
इसके स्टोरी वाले टैब में आते हैं, देखो पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, सही बात है, दो वीडियो यहाँ पे इसने डाल रखा है। तो अगर मुझे कोई एक डाउनलोड करना है तो चलो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, फर्स्ट वाले को, ठीक है। मैंने डाउनलोड पे टच किया, अब यहाँ पे वीडियो प्ले हो गया, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, थ्री डॉट पे आना है। अभी देखो एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली से आपको इस पर टच कर देना है और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोडिंग पर स्टार्ट कर दिया है और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम वेट करते हैं और जैसे ही डाउनलोड होगा, अरे यार एक स्टेप बैक हो गया, कोई बात नहीं है, डाउनलोड तो ऊपर लग गया है, देखो ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये डाउनलोड होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डाउनलोड हुआ या नहीं, वाकई ये डाउनलोड हुआ या नहीं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, बस जस्ट होने ही वाला है, ठीक है। जैसे ये कम्प्लीट होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं गाइस, फॉरवर्ड का ऑप्शन भी नहीं दे रहा। चलो देखो, देखो गाइस यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, अभी हम इसको ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है डाउनलोड हो गया है। क्योंकि अभी मैंने माइक्रोफोन लगा कर रखा हुआ है इसलिए शायद आपको साउंड नहीं आ रहा होगा, बट साउंड के साथ में डाउनलोड हुआ है। आप जाके खुद से एक बार एक्सपेरिमेंट करना, एक बार ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब जो है आप भी स्टोरी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी देखा दोस्तों कितने सिंपल और कितने आसान तरीके से हमने जो है स्टोरी को डाउनलोड कर लिया। सेम स्टेप्स को आप भी फॉलो करके आप भी स्टोरी को डाउनलोड करो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको यूज़ करो। दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे अपने इमेज के साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक को कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पे जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करो, और इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं उसके लिए भी नीचे वीडियो दिख रहा है उस पर भी क्लिक करो और जाके वीडियो को वॉच करो।